नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने खुलवाया स्कूल का रास्ता। कृषकों से भी लिया सहयोग, हटाया अतिक्रमण। रास्ता न होने से छात्र होते थे परेशान। एसडीएम के प्रयासों से खुला स्कूल का रास्ता, बरसों पुरानी समस्या का हुआ समाधान। जी हां, ग्राम कुल्हार में वर्ष 2013 में हाई स्कूल के लिए भवन निर्माण किया गया था, लेकिन स्कूल के चारों तरफ स्थानीय नागरिकों द्वारा कब्जा कर रखा था या फिर निजी भूमि थी, जिसके कारण छात्रों को स्कूल पहुंचने में बड़ी समस्या होती थी। बरसों पुरानी समस्या जब कलेक्टर पंकज जैन के पास आई, तब कलेक्टर ने इस पर संज्ञान लेते हुए विशेष रूप से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजेश मेहता को स्कूल का रास्ता खुलवाने हेतु निर्देशित किया। एसडीएम मेहता ने अधिकारियों की टीम के साथ स्थल का निरीक्षण किया और एक पटवारी, आरआई, नायब तहसीलदार का दल गठित किया, जिसका निर्देशन एवं मार्गदर्शन स्वयं किया और आनन फानन में विशेष दल द्वारा सीमांकन कराया गया और मौके पर से अतिक्रमण हटाया गया और कुछ निजी भूमि वाले कृषकों से भी एसडीएम ने रास्ते के लिए भूमि छोड़ने के लिए सहमति ली और रेखांकन कर लाल मुरम डालकर रास्ता बनाया गया। एसडीएम राजेश मेहता ने मीडिया से चर्चा में बताया कि कलेक्टर के निर्देश के बाद स्कूल के लिए रास्ता खोला गया है, भविष्य में मुरम के ऊपर सीसी रोड भी बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश गंज वासोदा से एलएन चौबे की एक रिपोर्ट। 12-13 में कुल्हार में एक हाई स्कूल बना था शासकीय जमीन पे। उस जमीन के चारों तरफ प्राइवेट भूमि थी, जिसके कारण उस स्कूल को संचालन करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। बच्चों के आने जाने की भी परेशानी थी। इस चीज़ को कलेक्टर महोदय द्वारा संज्ञान में लिया गया और इसे टाइम लिमिट में अंकित किया गया, जिसके बाद हम लोग मौके पर, मैं भी गया और मेरे साथ नायब तहसीलदार और पटवारी भी गए। जब हमने देखा तो देखा कि एक तो सरकारी रास्ता, उस पर काफ़ी अतिक्रमण था। उसके बाद उस रास्ते के बाद जो शासकीय निजी भूमि थी, उन किसानों से बातचीत करके सहमति बनाई गई कि आप कुछ रास्ता जमीन दे दें ताकि वो रास्ता बन जाए। तो शासकीय रास्ता पे से अतिक्रमण हटा करके निजी भूमि पर भी रास्ता बनाया जा रहा है, जिस पर आज मुरमीकरण हो रहा है। निकट भविष्य में उसे सीसी रोड बनेगा ताकि गाँव के लोगों को आने जाने के सुविधा मिल सके, बच्चे भी आम सामान्य रूप से आना जाना कर सकें।